नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार गोस्वामी आपका अपना चैनल ग्रीन भारत पे आपका स्वागत करता हूँ। सर्दियाँ आते ही तरह तरह के फूल व फलों के पौधे लगाए जाने लगते हैं। आज हम आपको ऐसे खूबसूरत विंटर फ्लावर के बारे में बताएंगे, जिसके चमकीले गहरे रंगों वाले फूल न केवल गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि इनका उपयोग हर्बल मेडिसिन के तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस मेडिसिनल फ्लावर प्लांट का नाम नेस्ट्रेशियम है, जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रोपेलेलम है। नेस्ट्रेशियम के हर पार्ट खाने योग्य होता है। इसके पत्ते व फूलों में भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इनके पत्तों में प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन सी, आयरन व अदर मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं। और इनके फूलों की बात करें तो इनके फूलों में विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन सी के अलावा मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम पाए जाते हैं। इनमें एंटीसेप्टिक व एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन पौधों के पत्तों का व फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से सांस संबंधी सर्दी, जुकाम और मूत्र संबंधी रोगों में फायदा होता है। इसके पत्ते व फूलों का उपयोग सलाद के रूप में भी किया जाता है। इनके पत्ते व फूलों का स्वाद सरसों के पत्ते जैसा थोड़ा कसैला होता है और फूल थोड़े मीठे होते हैं। इन पौधों को आप अगर लगाना चाहते हैं तो इन्हें अक्टूबर माह में बीजों के द्वारा लगा सकते हैं। लगाने से पहले इनके बीजों को 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखें। इसके बाद इनको आप मिट्टी में 1 से 1.5 इंच गड्ढा करके इसमें लगा दें। मिट्टी बनाने के लिए, इस पौधे के लिए आप इसमें 50% मिट्टी, 3 भाग इसके सेंट के, 2 भाग आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। आप इसमें मीडियम मॉइस्चर वाली मिट्टी या वेल ड्रेनिंग मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पानी का ठहराव ना हो। इस पौधे के फूलों के कलर्स की बात करें तो इसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, क्रीम कलर, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो दिखने में बहुत ही मनमोहक खुशबूदार पौधे होते हैं। ये एक बेल लता की तरह होते हैं जो कि धरती पर आपका कवर करते हैं। आप इसमें स्टिक लगा सकते हैं अगर आपको इसको खड़ा करके रखना है तो। ये फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस पौधे में को लगाने के 2 महीने बाद इसमें फूल आने लगते हैं। इस पौधे के लिए फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए आप इस पौधे को धूप में ही रखें। ये पौधा एक बेल की तरह होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस पौधे के बीज एक मटर के दाने के बराबर के होते हैं, जैसे कि आप इसमें ये देख रहे हैं। ये इसके बीज हैं जो सूखने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएंगे। आप उनको बीज के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। इस पौधे में पानी देने के लिए हमको पानी हमेशा साइड से ही देना चाहिए, इसके ऊपर या सावर के तौर पर इसमें पानी नहीं देना चाहिए। और इस पौधे में हमें कभी भी नेट में पानी नहीं देना चाहिए। अब इसमें हम खाद की बात करते हैं तो खाद इसको महीने में एक बारी खाद देनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम अधिक खाद देंगे तो उसमें पत्ते अधिक और फूल कम आने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमको इसमें हमेशा महीने में एक बारी खाद देनी चाहिए। इस पौधे में जितने अधिक फूल खिलते हैं उतने ही अधिक मात्रा में इसमें बीज बनते हैं। इस पौधे के एक समस्या यह है कि इसमें पत्ते सूखने व पीले पड़ने की समस्या आ जाती है, इसलिए इससे बचने के लिए आप इसके एक्स्ट्रा पत्तों को अलग कर दीजिएगा, इस पर एक्स्ट्रा पत्ते आने ना दें। ये पौधा अधिक धूप सह नहीं कर सकता है, इसलिए गर्मी के आते आते ये पौधा स्वयं सूखने लगता है और मर जाता है। आप इसके सूखे हुए बीजों को कलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट सीजन के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने जाना नेस्ट्रेशियम पौधे के बारे में, इसको कैसे लगाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हमने इसके हर्बल्स मेडिसिन के बारे में जाना, इसके फूलों के बारे में जाना। पौधा आपके बगीचे की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इसके साथ साथ इसके पत्ते व फूलों को सलाद के रूप में उपयोग करने से यह आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। ऐसे खूबसूरत दिखने वाले फूलों के पौधे को हर्बल मेडिसिन पौधे की जानकारी हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए, इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।